दोस्तों आज हम लोग भारत खोज के सेकेंड चैप्टर के जो कि टॉपिक है भारत की विविधता और एकता को डील करेंगे। दोस्तों इसमें जो जवाहरलाल नेहरू है वो बताना चाहें कि जैसे कि हमारा भारत है उसमें अलग अलग स्टेट्स हैं, उनके अलग त्यौहार बनते हैं। उन्होंने बताया है कि इसमें अलग अलग स्टेट्स तो हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें लैंग्वेज भी अलग होते हैं स्टेट्स में, जो कि हमसे स्टेट्स में डिफ़र करते हैं, बट ये आखिर एकजुट होकर एक भारत को ही बनाता है। भारत में ही जो लोग का रहन सहन है, खान पान, ये सब अलग अलग हो सकता है लेकिन फिर भी वो भारत ही कहलाएगा। पूरा को अगर हम स्टेट्स को मिला दें तो वो भारत है। इन्होंने बताया कि कैसे जो भारत है इसमें जैसे नालंदा विश्वविद्यालय होगा, इसमें कहीं कहीं से लोग बहुत दूर से पढ़ने आया करते थे। मतलब कि हमारे जो भारत है ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत से ही बच्चे सब पढ़ने आया करते थे, बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर पढ़ने आया करते थे क्योंकि यहाँ पर सबसे उच्च शिक्षा थी। नालंदा जो कि विश्वविद्यालय है वो 2000 साल बोल सकते हैं पुराना है या उससे भी ज़्यादा पुराना समय का है या फिर पुराने समय का है। इन्होंने इसमें यही बताना चाहा कि अगर हम लोग किसी दो कंट्रीज़ के बीच में या फिर किसी के बीच में कंपेयर करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी एक स्टेट को लेके चलेंगे, जैसे कि तमिल हो गया उसको लेके चलना या और जो दूसरा कंट्री है उसके किसी एक स्टेट को, बल्कि हम लोग अपने पूरा इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनको और जो दूसरा कंट्री जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं उसके पूरे स्टेट्स को लेके चलेंगे और उसमें देखेंगे कि उसमें कितना समानता है, तभी हमें पता चल पाएगा ठीक से कि हमारा जो कितना हमारे जो कंट्रीज़ हैं इसमें स्टेट्स जो हैं उसमें कितना डिफ़र करते हैं दूसरों से। साथ में इन्होंने ये भी बताना चाहा है कि जो दूसरे लोग यहाँ पे आए थे, जैसे कि मुसलमान भी कुछ ऐसे थे जो कि बाहर से आए थे, जैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान से यहाँ पर आए थे, और कुछ और भी मतलब व्यक्ति जो थे जो कि यहाँ पर आए थे उन्होंने अपना इंडिया में रहना शुरू कर दिया, भारत में जब रहना शुरू कर दिया तो वो भारत के निवासी हो गए। उसके बाद दोस्तों ये एक एक्ट बना है कि हम चाहें तो अपने धर्म को चेंज कर सकते हैं, मतलब कि ये इलीगल नहीं है बल्कि इसमें जो कानून है ये कहता है कि आप चाहें तो अपने धर्म को चेंज कर सकते हैं। तभी इसमें इन्होंने बताना चाहा है कि अगर वहाँ से वो लोग आए हैं जैसे मुसलमान हो गए और भी पारसी हो गए, उसी तरह वहाँ से अगर वो आते हैं हमारे इंडिया में तब वो सब भी चाहें तो अपना धर्म को बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा मेनली करते नहीं है कोई। इसी तरह इन्होंने बताया कि धर्म को अगर वो बदलते भी हैं, अगर बाई चांस कोई बदलता भी है तब भी वो भारत का हिस्सा कहलाएगा क्योंकि वो भारत में आके बसा है। अब इन्होंने एक और चीज़ बताया कि जो आदमी भारत में रह रहा है तो पहले ये जो लोगों के मन में ऐसा था कि अगर वो भारत में रह रहा है और भारत के किसी भी अलग स्टेट्स में चल जाए तभी उसे अपनापन लगता था, मतलब कि भारत में अगर वो मान लेते हैं कि वो गुजरात का है और चल गया हिमाचल प्रदेश या उससे दूर तब भी वो वहाँ पर जाएगा तो उसे वो अपनापन महसूस होगा क्योंकि वो भारत में रह रहा है, उस वो जानता है भारत की एकता के बारे में और साथ में वहाँ के रहन सहन के बारे में, इसी तरह उसको अपनापन महसूस होगा और ऐसा नहीं है कि वो बोल सकते हैं कि विदेशी महसूस करेगा। लेकिन वही अगर हम लोग भारत से बाहर कहीं जाते हैं तब वहाँ पे हम विदेशी अपने आप को महसूस करेंगे क्योंकि वहाँ पे हमारे कोई कैटेगरी का नहीं होता है। इसी तरह इन्होंने ये भी बताया कि जो हमारा भारत है इसमें अगर हम कहीं भी रहते हैं तो वो अपना महसूस करेंगे, और वही कोई आदमी है जो कि अदर दूसरे कंट्री से आया हुआ है और वो भारत में रुक गया है और इसी तरह वो बहुत साल तक यहाँ पर रुक गया है तो वो भी भारत को अपनाने लग जाएगा और भारत में वो अपनापन महसूस करेगा। तभी दोस्तों इन्होंने ये बताया चाहा कि कैसे गाँव में और भी बहुत सारी जगहों में भारत में समानता तो है कि भारत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, रहन सहन खान पान, लेकिन फिर भी वो एक है। और इसको बताने के लिए इन्हें ये मतलब कि इन्होंने पहले तो इन्होंने बताया कि कैसे भारत अलग है, मतलब कि भारत में जो स्टेट्स है वो कैसे डिफर करते हैं, लेकिन जो यहाँ पर समानता इन्होंने बताया वो ये है कि अगर भारतीय आदमी कहीं भी जाके स्टे करता है, रुक जाता है या फिर कहीं भी दूसरे स्टेट्स में जाता है भारत के, तो वहाँ पर जाके वो अपना पहन महसूस करेगा क्योंकि वहाँ के वो रीति रिवाज इसको जानता होगा, अगर वो नहीं भी जानता होगा तब भी वो भारत में अपना पहन महसूस करेगा क्योंकि वो उसका अपना देश है, और वही दूसरे कंट्रीज़ में चल जाएगा तो वो विदेशी महसूस करेगा। दोस्तों इसी तरह ये जो महसूस की जो हम बोल सकते हैं कि मतलब कि अपना पहन महसूस करना ये अभी भी हमारे लोगों में है, मतलब भारत में ऐसा है, लेकिन ये जो मतलब अपना पहन महसूस जो करना था भारत के ऊपर वो पहले ज़्यादा हुआ करता था, मीन्स 80 50 या फिर 100 वर्ष पहले ये ज़्यादा हुआ करता था। वहाँ पे लोग ऐसा नहीं है कि अगर हम यहाँ से कहीं और जाते हैं तो हमको अजीब लगे, हम सोचे कि हम अजनबी हैं, लेकिन ऐसा वहाँ पे नहीं था, बल्कि अगर कोई दूसरे जगह जाता भी था तो वो अपने आप को अजनबी नहीं समझता था और वो वहाँ पे जाकर बोल सकते हैं कि आराम से खुलकर रहता था।
और दोस्तों इसमें ये भी बताया जा रहा है कि जैसे जगह जगह पर जाने पर वहाँ के कल्चर बदलते हैं, साथ में अगर हम किसी और जगह पर जा रहे थे जैसे राजस्थान में चल जाते हैं तो वहाँ पर बहुत गर्मी हो रही है, जम्मू में जाएंगे तो वहाँ पर ठंडी होगी। इससे दोस्तों इन्होंने ये भी बताया कि भारत अलग होकर भी एक है, और इसका सिर्फ एक ही डेफिनेशन है कि वो एक है, क्योंकि यहाँ पर भारत में समानताएँ हैं और साथ में समानता में जैसे हम यहाँ पे कहीं भी जाके स्टे कर सकते हैं। मैंने आपको अभी एग्जांपल में बता दिया है कि इसमें अपनापन महसूस होता है, वही दूसरे जगह जाने पे अपनापन महसूस नहीं होता है। लेकिन मान लेते हैं कि अगर हम भी विदेश में बाहर कहीं चल जाते हैं तो वहाँ पर अगर हम कुछ साल रुक जाएंगे तब हम वहाँ के स्थिति को अपना कर लेंगे, तब वहाँ पर भी हमें अपनापन महसूस होगा। इसलिए दोस्तों यही था हमारे जो भारत है इसमें विविधता और एकता। दोस्तों इस तरह इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अब जो जन संस्कृति है इसे हम लोग अपने अगले वीडियो में डील करेंगे। दोस्तों इस तरह इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।